मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयवंत सिंह पवैया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयवंत जी, खासतौर पर हायर एजुकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश की कई यूनिवर्सिटी से जो खबरें आती हैं ज़्यादा बेहतर नहीं है। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की खबरें आम हो चुकी है। मैं जब से आया हूँ ऐसे मामलों को, मनमानी और करप्शन, इन दोनों को हमने बहुत गंभीरता से लिया है और इसका परिणाम भी आपने देखा होगा कि भोज विश्वविद्यालय में धारा 33 का इस्तेमाल हमको करना पड़ा, क्योंकि वहाँ नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की, नियुक्तियों में अनियमितता की ऐसी शिकायतें आई जो शिकायतें सिद्ध हो गई बहुत दूर तक पारदर्शी जांच में, और महामहिम ने निर्णय लिया, शासन के ओर से प्रस्ताव भेजा गया। इसी तरह की जहाँ जब भोपाल यूनिवर्सिटी यानी कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की भी करवाएंगे और उसमें अगर कोई बड़ा अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेशक वो DU हो और चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, ये शिक्षा बड़ा पवित्र क्षेत्र है। मुझे तो आश्चर्य होता है जो शिकायतें आती हैं और कुछ प्रकरणों में जांच जब सामने आती है कितना गरिमामय पद हुआ करता था, समाज में कितना सम्मान होता था। इसको हम व्यवसाय का अड्डा तो नहीं बनने देना चाहेंगे। गंभीर प्रकरण जहाँ से भी आए हैं उनकी जांच बैठा ली गई है, कुछ जांचों के निष्कर्ष भी आ गए हैं और जब ऐसा लगता है कि सिवाय इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करने के कोई रास्ता नहीं बचा है तो शासन की ओर से कोई माफी नहीं होगी, कोई कंप्रोमाइजन इसमें नहीं होगा और आप धीरे धीरे परिणाम देखें। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे। और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है। मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।